गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तो गुरुर कृपा नमो नारायण। 27 जुलाई सन 2012 और शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का सुंदर जीवन मंत्र है ओम मानदाय नमः। ओम मानदाय नमः इस मंत्र का जाप करिए, संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होगी और आपके यश में बढ़ोतरी होगी। ओम मानदाय नमः। और बात करते हैं शुक्रवार की पंचांग की। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की नवमी और विक्रम संवत 2069। प्रातकालीन नक्षत्र स्वाति नक्षत्र चंद्रमा तुला राशि और शुक्रवार का राहुकाल प्रातः 10:30 बजे लेकर 12 बजे और राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करना शास्त्रोक्त नीति के अनुसार अनुकूल नहीं है। पूंजी निवेश से बचे, भूमि और भवन और वाहन खरीदने से बचे, इस दौरान कोई भी सौदा न करे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी। न मना रहे और अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूं। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए, बात करते हैं आज शुक्रवार की राशिफल की। मेष राशि, समय अनुकूल और सफलताओं से भरा नजर आ रहा है। शुभ कार्य की योजना सफल होगी और घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आज अभिलाषाएं पूरी होगी। बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और कारोबार में धन लाभ होगा और मित्रों का पूर्ण सहयोग और लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। क्या करें, आज व्यवसाय को बढ़ाने का मन है तो बढ़ाइए, लाभ मिल जाएगा। क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा न छोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सफलता का संकेत नजर आ रहा है। रुके हुए कार्य पूरा करने का अवसर मिलेगा और पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा और धन लाभ होगा। साहसिक क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे और आपका मान सम्मान भी आपको मिलेगा। क्या करें, मनोवांछित कार्य पूरा करने का प्रयास करें। क्या न करें, स्वजनों का लाभ उठाने का प्रयास न करें। नमन और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर थोड़ा सा मध्यम है और अपनी वाणी पर संयम रखना आज बहुत जरूरी है। आज विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, अपनों को साथ लेकर चलें और अपने अहम और ईर्ष्या को काबू में रखें। आज विशेष कार्य में सावधानी बहुत जरूरी है। शेयर मार्केट और सट्टे में धन न लगाएं तो अच्छा रहेगा। गोचर मध्यम है, परिश्रम का लाभ विलंब से मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों, थोड़ा सा सावधानी से काम करें। विशेष क्या करें, सामाजिक कार्य करिए, अच्छा लगेगा। क्या ना करें, अधिकारी वर्ग की नाराजगी मोल न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, सितारों की चाल प्रतिकूलता का संकेत दे रही है और आज परेशानी है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहना बेहतर होगा और कानूनी उलझने उत्पन्न हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना है। धनहानि है, पारिवारिक सदस्यों के बीच में मतभेद और असंतोष की संभावना भी और स्वास्थ्य के प्रति सचेत और खर्चा भी बढ़ सकता है। और सुबह से लेकर शाम तक गोचर ये कह रहा है कि सावधान, विवादों से दूर रहे, कारोबार में ध्यान दें, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद नहीं हो इस पर ध्यान और स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतें। छोटा सा उपाय, भयभीत होने की जो छोटा सा उपाय, उपाय बहुत रामबाण है। आज गरीब और जरूरतमंद लोगों को दूध और चावल का दान देके देखिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, आज पूंजी निवेश ना करें या नया कार्य शुरू ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, समय अनुकूल और लाभप्रद नजर आ रहा है। मन अनुकूल कार्य संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़े, किसी सभा और समारोह में जाने का अवसर मिलेगा और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, धन लाभ होगा। संपूर्ण कारोबारी और पारिवारिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण आज नजर आ रहा है। सिंह राशि वालों, गोचर बहुत सफलता से भरा है, प्रयत्न करिए, जरूर सफलता मिलेगी। क्या करें, सार उत्साह को बनाए रखें। क्या ना करें, तो दूसरे के बहकाव में आकर कार्य न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन और बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग है, आज विवादों से दूर रहना बहुत जरूरी है। परिवार की प्रति लापरवाह नहीं रहना है और बहुत जरूरी, क्योंकि आज कारोबार में धन संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है, इससे भी आपको सावधान। और मन में आलस और निष्क्रियता की भावना तो कारोबार में घाटा हो सकता है, क्योंकि आज गोचर थोड़ा सा मध्यम है। कारोबार में ध्यान दें, आलस्य को हावी नहीं होने दें, परिवार के प्रति लापरवाह नहीं रहे
और जो उपाय मैं बता रहा हूँ वो उपाय आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आज स्वागन स्त्रियों को पान अपने अपनी तरफ से भेंट, मीठा पान, चूना नहीं हो, मीठा पान भेंट करिएगा, कल्याण होगा। क्या करें, पारिवारिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना किसी को आज कर्ज न दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर वन बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, आज दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आएगी, कार्य में सफलता और उद्देश्यों की पूर्ति होगी, शुभ और अनुकूल समाचार प्राप्त होंगे, स्वास्थ्य में सुधार और चित्त प्रसन्न रहेगा क्योंकि गोचर की स्थिति बहुत अनुकूल है। क्या करें, नवीन कार्य योजना आप चालू कर सकते हैं। क्या ना करें तो कानूनी झमेलों में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि आज थोड़ी सी परेशानी है, जिसने ग्रह गोचर है आज उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक और शारीरिक तनाव है, खर्चा बढ़ सकता है और जीवन साथी की उपेक्षा आपके लिए महंगी पड़ सकती है। अपनी जिद और अहम पर ना अड़े, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। छोटा सा उपाय, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, इस मंत्र का जाप करें और गाय को अपना हाथ से गुड़ खिलाए तो लाभ मिलेगा। विशेष क्या करें, परिश्रम और समर्पण से कार्य करिए, नुकसान नहीं होगा। क्या ना करें, आज बहुत जरूरी है कि अपनों के साथ धोखा ना करें, बस इस बात का ध्यान रखें। नमनन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, समय अनुकूल सितारों का शुभ संकेत, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और बुजुर्गों का आशीर्वाद, मन में उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और व्यावसायिक उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। जो सोचा है वो आज पूरा जरूर होगा और धन लाभ की योजना सफल होगी और सुख के साधन बढ़ेंगे। क्या करें, रुकी हुई धन की प्राप्ति का प्रयास करें। क्या ना करें, बेवजह किसी से तकरार न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आज आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, जमीन जायदाद के कार्य में लाभ होगा, तीर्थ यात्राओं पर जाने का अवसर भी मिल सकता है और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, रुके हुए सरकारी कार्य पूर्ण होंगे। शुभ समय शुभ है, अनुकूल है और उचित अवसर का लाभ आपको उठाना चाहिए। क्या करें, भूमि और वाहन संबंधी कार्य संपन्न करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, पारिवारिक आवश्यकताओं को अनदेखा न करें तो ठीक रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, धीरे 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 पृष्ठ में सुधार होगा और आय के साधन उपलब्ध होंगे क्योंकि प्रयास सफल होंगे और प्रयासों में अनुकूल धन लाभ की प्राप्ति होगी। आज अधिकारी वर्ग से संबंध न बिगाड़ना, इस बात का ध्यान रखना। अपनी जिम्मेवारी आप बेखूबी निभाएंगे, किसी सभा और गोष्ठी में जाने का अवसर मिलेगा और दिन सुकून और शांति से बीतेगा। क्या करें, कला के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, सामाजिक कार्य को अनदेखा न करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, गोचर आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहा, आपको सावधानी बरतनी, संयम के साथ काम करना होगा, शुभ कार्य की योजना को स्थगित रखें, यात्रा से बचे, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और परिवार में विवाद नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखें। छोटा सा उपाय जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण होगा। विशेष क्या करें, धन और समय का सदुपयोग करें। क्या ना करें, भाई बंधु से संबंध ना बिगाड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। और अब मैं आपको ले चलता हूं आज के उपाय। माँ लक्ष्मी की अनुकंपा आपके ऊपर कैसे हो, जिसका कर्म अच्छा है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो धर्मान को आचरण करता है, जो राष्ट्र के प्रति वफादार है, माँ लक्ष्मी तो वैसे ही मेहरबान होती है, भगवान शनिदेव तो उसको ऐसा ही कल्याण करते हैं। तब भी संपूर्ण परिश्रम मेहनत और प्रयासों के बावजूद भी माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान नहीं हो तो शनि प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शनिदेव का भगवान शिव के साथ श्रद्धापूर्वक पूजन करें। सदानुसार घिलोय का रस, गन्ने का रस, आंवले का रस, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा घी और शहद और दही और शक्कर ये मिला करके ओम शम अनंताय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें। तत्पश्चात ओम शम अगोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जाप के उपरांत, अभिषेक के उपरांत गरीब कन्याओं को भोजन कराएं, स्वयं व्रत खोले, आप ये करके देखिए, शनि प्रदोष व्रत आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं आज के नुस्खों। यदि सरदर्द रहता हो तो तुलसी की चाय रामबाण है, चाय पत्ती नहीं डाली, खाली तुलसी की चाय। और सर्दियों में सरदर्द हो या जुकाम हो बरसात में तो सौंठ और बालछड़ को घी में मिलाकर सिर पे लेप कर दीजिए, तुरंत सरदर्द गायब हो जाएगा। केसर, जावित्री, सौंठ और बालछड़ को घी में मिलाकर सिर में लेप करिए, बहुत लाभ मिलेगा।
ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे उपाय, छोटे छोटे मेरे टोटके सारे आपको राशिफल के साथ www.shaniram.in पे मिल जाएगा। और मैं छोटी सी प्रार्थना करना अपना धर्म समझता हूँ, ये मेरा प्रयास है, पूर्णता सत्य में हूँ ये मैं नहीं दावे करता, मैं प्रयास करता हूँ और आपके लिए प्रयास करता हूँ, रात दिन इसमें लगा रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आपकी सेवा करना। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहता हूँ कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के साथ, अपने हौसले मजबूत कर्म पे विश्वास करो और कर्म प्रधान विश्व कर राका जो जस करे तस्फल राका। और जो मेरा सूत्र है कि कर्म बदल सकते हैं ग्रहों की दशा और दृष्टि दोनों ही, और कर्म ही करेंगे कल्याण आपका। कर्म सुधारो, माँ बाप की सेवा करो, धर्मानुकूल आचरण करो, भगवान शनिदेव की आराधना करो, ओम शम शनिश्चिराय नमो, आपका कल्याण। इस संसार में सदगुरु की महिमा अनंत है, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। मां बाप तो हर जन्म में मिल जाएंगे लेकिन सदगुरु मात्र मनुष्य जीवन इस जीवन में प्राप्त होता है। सदगुरु की महिमा अनंत है, इसलिए तो कहा है गुरु पहिया रे लागू नाम लखा दी जोरे। हे गुरु महाराज नाम को बता दीजिए, गुरु चरण कमल बलि हरी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी मेरी मन की दुविधा। इस मन का इलाज करते हैं गुरु महाराज। सदगुरु शिष्य को बहुसागर से पार, गहरी नदियां गम बह गरवा खे के पार लगाए दे, गुरु पहिया लागू नाम ले, बहुसागर से पार करते हैं सदगुरु। और सदगुरु शम शक्ति संपन्न होते हैं, लेकिन वो अपने सदगुरु कभी अपनी शक्तियों पर इतराते नहीं है, वे खुद बहुसागर पे तरने का रात दिन प्रयास करते हैं, और जिनके साथ वो रहते जिन्हें वो अपना मानते जिन्हें अपना शिष्य मानते उन्हें तारते भी हैं, क्योंकि सदगुरु के बिना जीवन अधूरा है। सदगुरु में एक अपार कृपा होती, सदगुरु शिष्य को जीते जी तारता है, और जीवन में सदगुरु जरूर होना चाहिए। और फिर कैसा भी मैं तो कई बार कहता हूं द्रोणाचार्य भी एकलव्य के गुरु थे ना, शिष्य मजबूत होना चाहिए। सदगुरु है क्या, एक फैमिली डॉक्टर है, जैसे आपका फैमिली डॉक्टर आपके शरीर की बीमारियों का इलाज करता है, ठीक इसी तरह सदगुरु आपके मन के रोगों का उपचार। सदगुरु का मिलना अपार कृपा, बड़ी भाग्य सदगुरु में पावा। और किसी शिष्य के लिए गुरु का द्वार बहुत पवित्र बहुत ही अद्भुत माना जाता है। और एक बात ध्यान, सदगुरु वचन वेद विश्वास, अपने वेद के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने सलाहकार के सामने कभी झूठ नहीं बोलना है, ये झूठ बड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि यदि सदगुरु के सामने झूठ बोले तो आपके पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, डॉक्टर के सामने झूठ बोले तो आपके रोग का निदान नहीं होगा, इस बात ध्यान रखिए। सदगुरु के सामने एकदम सरल और तरल बनकर पेश हो जाइए, फिर आप कितने भी होशियार क्यों नहीं हो, कितने भी विद्वान क्यों, लेकिन कभी डॉक्टर और सदगुरु के सामने अपनी होशियारी को लेकर मत जाइए, छोड़ दीजिए, आप समर्पण कर दीजिए, वो देख लेगा आपको और आपका इलाज कर, शरीर का इलाज हो चाहे इस मन का इलाज हो, मन का, मन के डॉक्टर है सदगुरु। सदगुरु वो है जो इस मन रूपी दानव से आपका पीछा छुड़ा दे, मन रूपी घोड़े की लगाम आपके हाथ में दे दे, वो है सदगुरु। बहुत कुछ कहना होता है लेकिन समय हो गया आज के सुझाव की बात। आज शुक्रवार का दिन है, यदि प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में धन लाभ न हो रहा हो तो आज के दिन गोदुली वेला में श्री महालक्ष्मी के मंदिर में चौमों का घी का दीपक जलाए और अपने घर में आकर तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 11 माला जाप, ये आज के दिन का अद्भुत 12 के 12 राशि के लिए टोटका करके देखे, धन जरूर मिलेगा। नमनन आज इतना ही, और शनिवार के लिए बताऊंगा कि बार बार बीमारी हो रही हो तो निवारण क्या है, और निमोनिया का बुखार तो नुस्खा क्या है, इलाज बहुत हो रहा है डॉक्टर बहुत बेहद है, लेकिन छोटे छोटे नुस्खे क्या वो बताऊं, साथ ही शनिवार का अद्भुत जीवन मंत्र, अद्भुत सुझाव, अद्भुत टोटका
सब बताऊंगा, लेकिन कल आज इतना ही। नमो नारायण।